आज 25 मार्च है, 31 साल पहले ये 25 मार्च ही थी 1992 में कि जब इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जी टीम बिल्कुल फारिग हो गई है, टीम में एका नहीं है, टीम हार, पांच मैच हार चुकी थी टीम, पांच छह में से एक मैच जीती हुई थी, और ऐसा ऐसा टीम ने रिकवर किया क्योंकि सेल्फ बिलीफ था, यकीन था अपने आप पे और अल्लाह की ज़ात पे यकीन था कि मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, और चीज़ें फिर तब्दील होती गई और चीज़ें ठीक होती गई। यानी कि वो कॉर्नर टाइगर्स जो थे उस वक्त, वो कॉर्नर टाइगर्स ने दुनिया की बेस्ट टीम्स को आउट परफॉर्म करके इमरान खान की क्यादत में वर्ल्ड कप जीता। आज 25 मार्च 2023, आज भी कॉर्नर टाइगर्स हैं, आज भी जो इमरान खान की टीम है वो कॉर्नर टाइगर्स की तरह लड़ रही है। जिस तरह लोगों को अगवा किया जा रहा है, अजहर मशवानी को उठा लिया, हसन जेल में, हमारी कितनी क्यादत जेल जा चुकी है जबरदस्ती लोगों के घरों में, कल से हम देख रहे हैं फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, सदन पंजाब में, खास तौर पे हजारों लोगों के घरों में छापे पड़े, लोगों को उठा रहे हैं। और ये क्यों उठा रहे हैं कि लोग हकीकी आजादी मांग रहे हैं इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों से जिन्होंने मुल्क की मईशत का, पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, इनसे आजादी मांग रहे हैं। और आजादी कैसे मांग रहे हैं? जमहूरी तरीके से। जमहूरियत में क्या है? इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आ चुके हैं, उसके खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लोग सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं दे रहे, इलेक्शन रोकने के लिए आप सारे ड्रामे कर रहे हैं। आज 25 मार्च को खान साहब ने जलसे का अनाउंस किया है मिंटो पार्क, यानी कि मीनार पाकिस्तान पे, सारा लाहौर आज वहां पहुंचे, सारी जगह से उन्होंने रास्ते बंद किए हैं, कोई कंटेनर कंटूनर लगाए, जो मर्जी कर लें, लेकिन लाहौर आपने वहां पहुंचना है। खान साहब ने बड़ा अहम पैगाम देना है, दोबारा इस दफा ये कॉर्नर टाइगर्स इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान को इस दफा दोबारा जमहूरियत के मैदान में और आजादी की, हकीकी आजादी के मैदान में दोबारा जिताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, उसका कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई, मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार, भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म, अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।